जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। बोले बाबा जी की जय। बोले बाबा जी के। हाँ जी सर। सर हम 11 बंदे हैं, हमें जम्मू कश्मीर की टूर करनी है अमरनाथ के साथ। अच्छा, अमरनाथ के साथ जम्मू कश्मीर घूमना है। कितने दिन का टूर करना है सर आपको? 6-7 7-8 दिन का। तो लद्दाख वगैरह भी जाना है या श्रीनगर और जम्मू? ये नहीं, श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग, वैष्णो देवी, अमरनाथ। तो सर ये तो आपका बाबा अमरनाथ बाबा अमरनाथ जी की यात्रा पहलगाम से करनी है या बालटाल से करनी है? पहलगाम से। पहलगाम और बालटाल रिटर्न आना है, बालटाल। बहुत बढ़िया, तो ना कोई बात नहीं, तो मैं मान के चलूँ। हाँ, 6-7 दिन में आपका हो जाएगा सर आराम से ना। तो बताइए सर क्या मदद चाहिए मुझसे आपको? सर हमें ट्रांसपोर्ट का नंबर चाहिए ना। हाँ, मैं ट्रांसपोर्ट वाले का नंबर दे दूंगा। हम पहली बार है ना, इसलिए हमको कुछ अनुभव नहीं है इसका। हाँ तो गाड़ी कितने के, कितने बंदे हैं? 11 बंदे हैं। 11 बंदे हैं। हाँ तो आप ना टेम्पो ट्रेवलर कीजिएगा उससे ना, छोटी दो गाड़ी बिल्कुल मत कीजिएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए। हाँ जी सर। ट्रांसपोर्ट वाला अगर आपको दो गाड़ी दे तो दो गाड़ी बिल्कुल मत करना, आप एक टेम्पो ट्रेवलर करना, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी सर। वो आपको सस्ता भी पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन ये फायदा रहेगा कि जितना भी आप सामान लेके आएंगे, कपड़ा वपड़ा, वो आपके टेम्पो में पड़ा रहेगा। हाँ जी सर, ठीक है। और होटल के लिए अभी बहुत ज्यादा बुकिंग टाइट चल रही है। हाँ जी सर, समझे मेरी बात आप? क्योंकि होटल वालों को मालूम है कि 2 साल से यात्रा हुई नहीं है, तो इस बार टूरिस्ट और यात्री बहुत ज्यादा आएंगे, तो वो होटल की बुकिंग कर नहीं रहे हैं, कर रहे हैं तो बहुत महंगे रेट दे रहे हैं। हाँ जी सर, ठीक है। तो उसके लिए आप देख लीजिए कि होटल का स्टे आप कम से कम करें। अगर श्रीनगर आना चाहते हैं और पैसा बचाना चाहते हैं तो श्रीनगर में हनुमान मंदिर है लाल चौक पे। हाँ जी, श्रीनगर हमारे 2-3 नाइट होगी सर। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए ना, मुझे नहीं मालूम ना, मैं आपको सारी बात बता देता हूँ ताकि ये वीडियो के माध्यम से बाकी यात्रियों को पता चल जाएगा ना। अगर आप श्रीनगर आना चाहते हैं और थोड़ा बहुत पैसा बचाना चाहते हैं तो आप श्रीनगर लाल चौक में हनुमान मंदिर है, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रहना, खाना, भंडारा, सोने का इंतजाम हो जाएगा, तो आपका कोई होटल का चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है? तो हनुमान मंदिर में पर्सनल रूम मिलेगा या नहीं? नहीं, मंदिर में जैसे सब सोते हैं हॉल में ऐसे सोना पड़ेगा, पर्सनल रूम नहीं मिलता है, ठीक है? 11 बंदे को एक साथ नहीं मिलेगा सर? एक साथ नहीं मिलता है, पूरा हॉल होते हैं, बड़े बड़े 3-4 मंजिल हॉल है वहाँ पे, उसमें पूरे में बिछा के सो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको थोड़ा मौज मस्ती करना है, बोट हाउस में रुकना है, जो होते हैं ना पानी के ऊपर शिकारे वगैरह, उनमें नाइट स्टे करना है, तो उनका भी आप इसी ट्रेवल वाले से बुकिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? पर अगर पैसा बचाना हो आपको तो 2-3 दिन हनुमान मंदिर में रुकना है तो आप रुक सकते हैं। और एक यात्री और भी कह रहे थे, तो पर्सनल वाला नहीं मिलेगा आपको, आपको शायद वो थोड़ा मौज मस्ती करने वाला मूड होगा ना आपका। हाँ तो आप फिर बोट हाउस में रुकिएगा, हाउस बोट जो होती है उसमें रुक के, उसमें आपको 11 बंदों को एक पूरी बोट मिल जाएगी, उसमें पूरे बड़े बड़े रूम होंगे, वॉशरूम होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर? जी सर। हाँ तो मैं आपको नंबर, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर पे, और उनको बता देना हमारे सरदार जी को कि बाबा जी ने नंबर दिया यूट्यूब चैनल से, तो आपको सही से रेट लगा लेंगे, ठीक है? ट्रांसपोर्ट का नंबर मिल जाएगा? हाँ हाँ, मैं क्यों नहीं दूंगा आपको नंबर, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आप उनसे बात करके अपना पूरा प्लान ना एक बार रिटर्न में उनको भेज दीजिए। और वो ट्रांसपोर्ट वाला होटल भी करेगा पहला पूरा पैकेज हमको चाहिए तो एक साथ सब कुछ कर देगा, आपका बोट हाउस भी, जो जो देखिए मैंने आपको बताया दो चीजें, अगर आपको पैसे की दिक्कत नहीं है तो सब कुछ उससे बुक करा लीजिए, वो आपको बढ़िया पैकेज, खाना पीना, छोड़ना, ड्रॉप सब कर देगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई डर नहीं होगा, ठीक है? अगर आपको थोड़ा पैसे का है तो आप उससे ना श्रीनगर का होटल बुक मत कीजिएगा, फिर मंदिर में रुक जाइएगा, ठीक है? हाँ जी, तो मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए और ले दीजिए, ट्रांसपोर्ट वाले का नंबर चाहिए तो मैं आपको आपको भेज देता हूँ, ठीक है? मैंने आपको कल व्हाट्सएप किया था, आपका रिप्लाई नहीं आया ना, इसलिए मैंने आपको अभी फोन किया। कोई बात नहीं, मैं सारे फोन उठा रहा हूँ, रिप्लाई करना बड़ा मुश्किल, क्योंकि सब लोग ना क्या कर रहे हैं, मेडिकल भेज रहे हैं, परमिट भेज रहे हैं, हमारा मेडिकल चेक कर लो, परमिट चेक कर लो, तो उतना तो व्हाट्सएप पे टाइम करना बेकार है, इसलिए मैं कॉल ही उठा रहा हूँ और व्हाट्सएप पे जब भी टाइम मिल रहा है उसका रिप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी सर। और जो ट्रांसपोर्ट वाले से बात हो जाएगा तो बता देना, मुझे कोई रेट कम करवाना होगा तो मैं कम करवा दूंगा आपका, ठीक है? ओके ओके सर, कोई बात नहीं। जय भोले बाबा जी की। जय भोले बाबा जी। अभी कर दीजिए मुझे व्हाट्सएप, मैं भेज देता हूँ, ठीक है? अभी अभी कर देता हूँ। जय भोले बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।